कटनी शहर के पास इलाके बरगवा में मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में सुबह 10:30 के लगभग 6 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर बैंक के अंदर कर्मचारियों से डकैतों ने 2.5 से 3 लाख नकद एवं 16 किलो सोना लेकर चपत हो गए। जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली तो आनंद फानंद जिले का पुलिस बल बैंक पहुंचा और पुलिस जांच में जुट गई। कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि युवक आए और धक्का देकर अंदर घुस आए और कट्टे रहा कर मारपीट करते हुए डकैतों ने सोना नकदी सहित लूट कर ले गए। जिस तरह इस पाश इलाके डकैती की घटना को अंजाम दिया गया तथा जिस तरह से शहर में लूट चोरी और गोली की वारदात हो रही है उससे तो यही लगता है कि पुलिस का भय खत्म हो चुका है। ये मणिपुरम गोल्ड लोन एजेंसी है, यहाँ पर इनका बैंक है जहाँ पर ये सोना गिरवी रख करके लोगों को लोन देते हैं। यहाँ सुबह 10:25 से लेकर 10:40 के बीच में एक घटना हुई है जिसमें 4 से 6 बदमाश यहाँ अंदर प्रवेश किए थे और उन्होंने कट्टे की नोक पर यहाँ पर जो मैनेजर और दूसरे स्टाफ हैं उनको डराया धमकाया और अंदर जाके लॉकर खुलवाया है और इसमें जो लोगों के गोल्ड थे वो और कुछ नगद इन्होंने झोले में भर लिया है और इधर से ये कुछ जबलपुर रोड की ओर भागे हैं। जैसी सूचना मिली है सभी अधिकारी और हमारी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है और इसको हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कितना सोना रहा है? अभी तो वो बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे उसके लोग 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम इस प्रकार से छोटे छोटे ये पैकेट बनाते हैं। उस ग्राम के आधार पर लोग इनसे लोन ले लेते हैं गिरवी रख करके, सोना गिरवी रख करके ये पैसा लोग कर्ज लेते हैं यहाँ से। तो अभी ये पूरा हिसाब जब मिलेगा तभी पता चलेगा कि कुछ अभी बताने की स्थिति में ये है। हाँ, नकदी करीब इसमें 2.5-3 लाख रुपए जो इनके पास लोन देने के लिए जो नकद थे ये भी हैं। सर, बैंक की सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चल रहा है? अभी सीसीटीवी फुटेज और ये इस सब में थोड़ा बैंक का काम स्लो है क्योंकि इनका यहाँ सीसीटीवी फुटेज और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इनके कोई हेड ऑफिस है वहाँ से पूरा इनका कंट्रोल होता है तो वहाँ से वो हमें भेज रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स भेज रहे हैं तो उससे हमें कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी लग गई है और वो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और आसपास के जो हमारे दूसरे पुलिस सहयोगी हैं उनको हमने भेज दिया है। विश्वास तो यही था कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी थी, सारी चीज़ें थी और हमारी चैन भी, अंगूठी भी और मम्मी लोग का सामान भी रखा था काफ़ी। अब अभी सुबह सुबह पता चला है कि यहाँ पे लूट भी हो गई है, भारी टेंशन के कारण अब आना हुआ यहाँ पे और ये चीज़ें हुआ है लूट यहाँ पे। आपका लगभग कितना सामान रखा था, कितने का होगा अंदाजा? कम 3-3.5 लाख का तो रखा हुआ, मम्मी का हमारा सबका मिला के। तो अभी इस विषय में बैंक वालों से कुछ बात हुई गोल्ड का फाइनेंस नहीं हुई सिर्फ अभी बिल्कुल आना हुआ है और बस अब बात होगी, बस रसीद वगैरह सारी चीज़ें हैं हमारे पास, रसीद है। आपके अलावा और कोई आते हैं? और ये इनके भी सामान रखा है काफ़ी लोगों के भी पहचान भी सामान। 10:30 करीब यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जो बाजू में सिगरेट वगैरह पी रहे थे, लोकेशन ले रहे थे कुल मिला के। उसके बाद हमारे सर लोग चाय पी के आए तो उनने गेट खोला, खुलवाया तो हम लोग गेट खोलने गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही गेट खोला तो वो आए तो उनके पीछे से उनने धक्का धक्का दे के अंदर घुस गए और बंदूक अड़ा दी। उसके बाद तो मैं बैठा था चेयर पे, उन्होंने मेरे पास भी आया, पकड़े मेरे को, घसीट दिए, बंदूक अड़ा दिए, लात घूंसा मारने लगे, बोले चल बैठ, मोबाइल दे, मुझे खबर भी करने का मौका नहीं दिया उन्होंने। करीब 4 लोग अंदर थे, एक बाहर यहाँ था और बाहर का तो मतलब 2 लोग तो फिर भी रहे होंगे बाहर। अब एक उनके बताने अनुसार सर लोग के कि 16 किलो करीब सोना रहा और कैश का कैसी है सर को पता है, मुझे नॉलेज नहीं है। वो सब सिक्योरिटी पे ही रहता है यहाँ का, एक गोल्ड भी कोई बाहर नहीं ले जा सकता। मारपीट की है, मुझे भी चोटें आई हैं कुछ और कुछ सर को, हाँ, और सर की गाड़ी भी चोरी करके ले गए हैं, हथियार सबके पास बंदूकें थी। इनका कोई वो नहीं लगा है कि कहाँ से आए थे करके, क्योंकि हम सब अंदर ही थे, हमें कुछ जानकारी नहीं है। ये मणिपुरम गोल्ड लोन है, बरगवा कटनी ब्रांच, राहुल कोष्टी, मैं यहाँ पे होम लोन डिपार्टमेंट में सेल्स ऑफिसर हूँ। कटनी से प्रवीण कुमार पारेशर की यह रिपोर्ट।